फाइनली दोस्तों लॉन्च हो चुका है नया iPadOS 15, और यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 फीचर्स बताऊंगा जो काफी अमेजिंग है नए iPadOS 15 में। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों फीचर नंबर 1 से। तो हमें इसमें नया होम स्क्रीन देखने को मिल रहा है। बेसिकली पहले क्या होता था ना, आपको विजिट्स ऐड करने को नहीं मिलते थे होम स्क्रीन में, लेकिन दोस्तों अभी इस नए अपडेट के बाद आप विजिट्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन में, तो थोड़ा सा और आपको डेस्कटॉप लाइक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे नए विजिट्स को भी डिजाइन किया गया है iPadOS के लिए, तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के विजिट्स देखने को मिलेंगे। आप डायरेक्टली उनको होम स्क्रीन में कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, और बेसिकली आपको अलग से एक विजिट्स का मेन्यू भी देखने को मिल जाता है जहां से आप पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं विजिट्स को। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे जो iPad होम स्क्रीन की कस्टमाइजेशन है उसको यहाँ पे काफी इम्प्रूव कर दिया गया है, और अब आपको यहाँ पे काफी मतलब सीमलेस टाइप का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, और काफी बड़े बड़े विजिट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। गेम सेंटर के लिए एक विजिट है, फोटोज के लिए अलग विजिट है, तो काफी अमेजिंग यहाँ पे हमें चीजें देखने को मिल रही है। बाकी दोस्तों सेकंड फीचर की बात करें तो न्यू ऐप ड्रॉअर हमें देखने को मिलेगा। अब आपको पता ही होगा कि यहाँ नए विजिट्स तो देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों नए विजिट्स के साथ साथ आपको नया ऐप ड्रॉअर भी देखने को मिलता है, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली होम स्क्रीन से या फिर डॉक से, और यहाँ पे आपको इस टाइप का ऐप ड्रॉअर देखने को मिल जाएगा। वैसे ये जो ऐप ड्रॉअर है ये आईफोन के लिए पहले ही रिलीज हो चुका है iOS 14 में, और ये आईपैड में अभी आ रहा है, तो काफी यूजफुल है। आप यहाँ पे पेजेस को हाइड कर सकते हैं, पेजेस को रीअरेंज कर सकते हैं, और ऐप ड्रॉअर को भी डॉक से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात की जाए फीचर नंबर 3 की, तो ये है न्यू मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पे दोस्तों एक नया फीचर ऐड कर दिया गया है, आप यहाँ पे डायरेक्टली टैप करके मल्टीटास्किंग विंडो को ओपन कर सकते हैं। पहले आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता था, अभी आपको एक अलग से मेन्यू देखने को मिल जाता है जहां से आप मल्टीटास्किंग को एनेबल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे स्प्लिट व्यू देखने को मिल जाएगा, और स्प्लिट व्यू में भी आप डायरेक्टली स्वाइप डाउन करके एप्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नए फीचर्स हमें यहाँ देखने को मिले हैं। वैसे ही अगर आपने मेल्स ओपन करके रखी है तो यहाँ पे आप मेल्स को डायरेक्टली टैप एंड होल्ड करेंगे तो आपको एक व्यूअर देखने को मिल जाएगा, और वो एक्सपैंड हो जाएगा ताकि आप अपने जो मल्टीटास्किंग है, जो अलग अलग एप्स आप यूज कर रहे हैं एक साथ, उनका काफी बढ़िया तरीके से फायदा उठा पाए। और यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको मिनिमाइज करके एक अलग से स्लाइड्स में रख सकते हैं। तो जैसे हम अपने पीसी में मिनिमाइज करते हैं एप्स को, आप उसी तरीके से यहाँ पे एप्स को मिनिमाइज कर पाएंगे, और आप यहाँ पे डायरेक्टली उनको एक्सेस कर पाएंगे नए डॉक से जो नीचे हमें देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप का यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा न्यू मल्टीटास्किंग में। बात की जाए दोस्तों यहाँ पे फीचर नंबर 4 की, तो हमें यहाँ पे नया नोट्स देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब इस नए नोट्स ऐप में दोस्तों आपको कोलैबोरेशन वाला फीचर देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने लिखा @ किसी का नाम, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा @Aman, तो नोट्स मुझे नोटिफाई कर देगा कि मेरा नाम किसी ने मेंशन किया है नोट्स पे। तो बेसिकली आप यहाँ पे नोट शेयरिंग कर रहे हैं, आपको यहाँ पे पब्लिक नोट्स जैसा फीचर देखने को मिल रहा है। आप अपने नोट्स को 4-5 लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको नोट्स का टैग भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली जैसे मैंने अगर टैग लगा दिया यहाँ पे कि स्टडीज, तो मैं जैसे ही स्टडीज सर्च करूंगा टैग वाले सेक्शन में, मुझे यहाँ पे जो भी नोट्स पे मैंने टैग लगाया था स्टडीज का, वो टैग्स वाले सेक्शन में सर्च होके फिल्टर आउट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फीचर नंबर 5 की, तो ये भी मुझे काफी अमेजिंग लगा। तो क्विक नोट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, और जो ये वाला फीचर है दोस्तों ये काफी अमेजिंग लगा मेरे को। यहाँ पे आप डायगनली आप स्वाइप करते हैं अपने एप्पल पेंसिल से, तो आप यहाँ पे क्विक नोट को एनेबल कर पाएंगे, और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है तो आप यहाँ पे फटाफट नोट डाउन कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इसको सफारी में ओपन करते हैं और वहां पे कुछ चीजें को लिखते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे एक क्लिक करेंगे ना, एक यहाँ पे छोटा सा टैब दिया गया, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी वेब पेज सफारी में खुला होगा वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा आपके नोट्स के साथ। इसी तरीके से आप दोस्तों कोई वेब पेज में है सफारी में, तो वहां पे आपको एक नीचे छोटा सा पॉपअप देखने को मिलेगा, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग जो आपने नोट्स बनाए थे इस वेब पेज को यूज करते वक्त, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको आपके नोट्स दिखाएगा। तो आपके लिए काफी कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस होने वाला है दोस्तों, काफी अमेजिंग फीचर है ये। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे फीचर नंबर 6 की, तो ये है ट्रांसलेट ऑन आईपैड। तो बेसिकली ट्रांसलेट वाला एक ऐप हमें पहले देखने को तो मिलता था हमारे आईफोन में, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी इसको आईपैड में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और ये थोड़े और पावरफुल फीचर्स के साथ आता है। तो आप यहाँ पे ऑटो ट्रांसलेट कर सकते हैं, वॉइस ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और काफी सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे इस चीज का फायदा उठा पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं फीचर नंबर 7 की, आप यहाँ पे आईपैड में कोडिंग कर सकते हैं। और कोडिंग तो क्या, आप आईपैड से ही आईपैड और आईफोन के लिए एप्स बना सकते हैं। पूरा आपको यहाँ पे एक गो थ्रू प्रोवाइड करेगा जिससे आप अपना फर्स्ट ऐप बना सकते हो,
उसको अपलोड भी कर सकते हैं ऐप स्टोर में। तो काफी अमेजिंग चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली है iPad OS 15 में। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात की जाए फीचर नंबर 8 की, तो ये है दोस्तों लाइव टेक्स्ट। आपने सुना ही होगा गूगल लेंस के बारे में, उसी का ही ये कॉपी है बेसिकली मैं कहना चाहूंगा। यहाँ पे आप फोटोज से डायरेक्टली टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट में, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। बेसिकली काफी अमेजिंग फीचर्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। गूगल लेंस की तरह इसमें हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों iPad OS 15। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।